मेरा तो यही लोगों से आपके माध्यम से निवेदन है कि किसी तरह प्रशासन या जो भी इस काम को रोक सके इसे रुकवा दे, नहीं तो ये तो गांव नाश के कगार पे है और इसका रिजल्ट कुछ दिन के बाद में इतना गलत होगा कि प्रशासन के भी कंट्रोल में शायद ना रहे, ये हालत इस गांव की होगी। तो मैं तो ज्यादा नहीं कहकर थोड़े ही शब्दों में निपटाना चाह रहा कि नहीं, हमें तो कहीं भी जाना पड़े, आत्मदाह भी करना पड़े, लेकिन हम कोशिश करेंगे। हमारे बच्चे तो मिलिट्री पुलिस में बड़े बड़े अधिकारी बने हुए इस गांव के हैं, लेकिन अब तो छोटे छोटे बच्चे जो स्कूल में पढ़ने जा रहे वो भी इस मैक के साथ जा रहे, एक पुड़िया पे 100 रुपए के ऊपर एक पुड़िया बेच है गाँव में। मेरा गाँव नशे में बुरी तरह से लिप्त हो चुका है, छोटे छोटे बच्चे मासूम वो भी 100 रुपए दे के उनको पुड़िया बिकवावे, स्कूल में भी बुरा हाल है। हमने ये शिकायत थाने में की, एसएसपी डीएम के की, आयुष मंत्री मारे जो हैं धर्म सिंह सैनी जी, हमें कई बार उनसे खुद जाके मैंने और प्रमोद ने गांव वाले थे और हमने उनसे 20 के बारे में कहा और आज के अखबार में भी है, हमने उनसे भी कहा। धर्म सिंह मौर्य जी आए थे, हमने उनके पास यहाँ से लेटर भेजा, केशव प्रसाद मौर्य जी, हमने उनके पास लेटर भेजा, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है। और कृपया, आज गाँव का माहौल यह है कि हर बुजुर्ग और जिम्मेदार जिनके बच्चे इस नशे में लग रहे हैं वो सब इतने परेशान है, आत्मदाह तक करना चाहते हैं, और अगर जो कुछ नहीं हुआ तो एक दिन सामूहिक गांव के बुजुर्ग और हम नौजवान जो दुखी हैं सामूहिक आत्महत्या करेंगे, जो आवाज हमारी नहीं प्रशासन ने सुनी। क्षेत्राधिकारी नकुर को मैंने आदेशित कर दिया है कि इस पूरे प्रकरण की जाँच कर ले और जो भी व्यक्ति इसमें संलिप्त हो उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई करें। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक हमारी व्हाट्सएप नंबर जो है हमने जारी किया हुआ है, कोई भी व्यक्ति अपना सुझाव, शिकायत, सूचना ये जो है उस नंबर पे व्हाट्सएप के माध्यम से और एसएमएस के माध्यम से दे सकते हैं। ये हमारे इस नंबर पे हम लोग प्रत्येक दिन इसकी देखते हैं और कई सारी अच्छी सूचनाएं हमें मिली हैं जिससे हम बरामदगी भी हमने अच्छी करी है। जो भी व्यक्ति हैं वो अपनी सूचनाएं अपने नाम को गोपनीय बनाए रखे हुए उस पर दे सकता है, जिसमें हम लोग कठोर कार्रवाई करेंगे।